हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीबी स्टार कोटा। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हो कि फर्स्ट अटेम्प्ट के एडमिट कार्ड जो है वो आज या कल में रिलीज होने वाले हैं, बट आपको एग्जाम सेंटर पे क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना, वो सारी चीजें बच्चों इस छोटे से वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ताकि एडमिट कार्ड रिलीज होने के बाद में लास्ट मिनट हड़बड़ाहट में आप चीजें जो अरेंज करना ना भूल जाएं, आपको पहले से पता हो। वैसे मोस्टली चीजें यही रहती है, टू कैरी और नॉट टू कैरी, क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना। इसके अलावा भी अगर कोई भी बच्चों इसके अंदर एडमिट कार्ड आने के बाद अगर कोई भी अपडेट होगा तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया और जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आते ही एडमिट कार्ड आते ही मैं आपके साथ अपडेट जो शेयर भी करूंगा। वैसे ऑलमोस्ट यही सेम चीजें जो रहने वाली है। तो चलिए यार, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको एग्जाम सेंटर पे लेके क्या जाना है। तीन ही चीजें जो आपके पास में होनी चाहिए, चौथी चीज की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए सबसे पहले यार बात करते हैं एडमिट कार्ड की। एडमिट कार्ड जो है वो बेसिकली एडमिट कार्ड में कंफ्यूजन ये रहता है कि सर इसका कलर्ड प्रिंट लेके जाना है या फिर ब्लैक एंड व्हाइट, जो वो भी चलेगा। तो यार देखो, प्रेफरेबली तो कलर्ड जो है, अगर आप इजीली मतलब प्रिंट आउट निकलवा ही सकते हो, बड़ी बात नहीं है, तो आप कलर्ड रखें। बट अगर ब्लैक एंड व्हाइट है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वहां पे सारी की सारी आपकी जो डिटेल्स है, आपकी जो फोटो है, वो बस क्लियरली सारी चीजें जो विजिबल होनी चाहिए। इसके अलावा ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि आप कलर्ड ही रखो या फिर ब्लैक एंड व्हाइट, जो वो नहीं चलेगा। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटोज, जो बच्चों आपने ऑनलाइन फॉर्म जब फिल किया था जेई का, तो वो जो फोटो आपने वहां पे यूज की थी, वही सेम पासपोर्ट साइज की फोटो जो आपको यहां पे चाहिए होगी। एक तो सबसे पहले जब आप एडमिट कार्ड का बच्चों प्रिंट निकालोगे तो वहां पे आपको एक आपकी पासपोर्ट साइज जो है वो स्टिक करनी होती है, तो वो कर लीजिए। इसके अलावा दो पासपोर्ट साइज फोटोज आपको और रखनी है जो आपको एग्जाम सेंटर पे रिक्वायरमेंट होगी। वैसे आई थिंक मोस्टली एक ही फोटो की जरूरत होती है, बट स्टिल आप दो फोटो जो है वो अपनी सिक्योरिटी के लिए रख सकते हो। इसके अलावा अगली चीज आती है आइडेंटिटी कार्ड। तो यार आईडी कार्ड जो है वो बेसिकली आपका जो किसी का अगर ड्राइविंग लाइसेंस, वैसे कम बच्चों का बना हुआ होता है, बट आधार कार्ड होता है, वोटर आईडी कार्ड होता है, ये सब आपको कैरी करना है। अब काफी सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि सर जो हमारा स्कूल का आईडी कार्ड है क्या वो चलेगा, तो बेटा वो नहीं चलेगा, क्लियरली नो है। स्कूल या तरफ से जो भी आपका आइडेंटिटी कार्ड है, जो भी विदाउट आधार कार्ड नंबर है, जिसपे आधार नंबर नहीं है और ये इस टाइप की डिटेल्स नहीं है, वैसा कोई भी आइडेंटिटी कार्ड जो वो नहीं चलेगा। तो मेक श्योर कि आप आधार कार्ड जो लेके जाए, सबसे सेफ जो रहता है। उसके अलावा पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, ये बेसिकली उन स्टूडेंट के लिए नहीं है जो ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने टाइम रिलैक्सेशन के लिए अप्लाई किया होता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट कुछ क्राइटेरिया होता है कि उसके अगर बिलो वो आते हैं तो उनको एक्स्ट्रा टाइम जो है वो अलॉट होता है ना। तो जो भी इस टाइप के स्टूडेंट है जिनके पास में ये वाला सर्टिफिकेट है, जिनको एक्स्ट्रा टाइम रिलैक्सेशन चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट को ये सर्टिफिकेट जो बच्चों कैरी करना है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ ये चीजें आपको एग्जाम सेंटर पे लेके जानी है। क्या नहीं लेके जाना यार, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। सबसे पहले जैसे कुछ बच्चे सोचते होंगे कि मास्क, तो मास्क बच्चों आपको बिल्कुल ले जाना अलाउड नहीं होता है। अगर इन एनी केस एग्जाम के रूल होते हैं कि आपको मास्क पहन के ही एग्जाम जो वो देना है, तो उस केस में भी मास्क बच्चों आपको सेंटर पर प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप बाहर से पहन के भी जाते हो तो वो आपको सेंटर के अंदर अलाउड नहीं होगा। इसके अलावा डिजिटल वॉच, ऑफकोर्स डिजिटल वॉच या फिर किसी भी टाइप का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है वो आपको अलाउड नहीं होगा। इनफैक्ट आपको वॉच की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बच्चों आपका एग्जाम जो वो ऑनलाइन होने वाला है, तो आपकी जो कंप्यूटर की स्क्रीन रहेगी उस पर लगातार टाइम जो आपके सामने शो होता रहेगा, तो इस टाइप की किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट जो आपको नहीं है। अगली यार अगर हम बात करें कास्ट सर्टिफिकेट, काफी बच्चे सोचते हैं हमारी कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी जनरल वालों को ऐसे जरूरत नहीं होती, ओबीसी एससी एसटी, तो आपको यार कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट ले जाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम देते टाइम इस चीज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ऑफकोर्स आपको ले जाने भी नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा अगली बात करें जैसे गर्ल्स के लिए स्पेशली, जैसे वो रिंग पहनती है गले में, कुछ लॉकेट पहनती है, चेन पहनती है, या कुछ लोगों को सल्लू भाई की तरह ब्रेसलेट वगैरह का शौक होता है, तो यार ये सब चीजें कैरी नहीं करें, ये आपसे गेट के बाहर ही रखवा ली जाएगी। हो सकता है कि आपका खो भी जाए वो सामान, तो प्लीज ये सारी इस टाइप की जो चीजें वो आप एग्जाम सेंटर पे ना लेके जाए। इसके अलावा जैसे कुछ बच्चों को, ये भी वैसे गर्ल्स में थोड़ा सा ज्यादा होता है, लड़कों का ज्यादा होता नहीं, एक पेन लेके उठ के चले जाते हो, बट जो भी है मतलब जैसे कई बच्चों का होता है ना कि पेंसिल बॉक्स वगैरह वो रखते हैं, जिसपे तीन चार टाइप के पेन अलग अलग कलर के रखे होते हैं, सुंदर सुंदर से इरेजर वगैरह, तो यार इस टाइप का कोई भी पेंसिल बॉक्स या ज्योमेट्री बॉक्स जो वो आपका एग्जाम सेंटर पे अलाउड नहीं होगा, तो प्लीज इस टाइप की चीजें जो आप कैरी ना करें। इसके अलावा ब्लैंक पेपर, जैसे आपको रफ वर्क के लिए वहीं पे बच्चों A4 शीट जो है वो एग्जाम सेंटर पे आपको एग्जाम लिखते टाइम मिलेंगी, तो इस टाइप की कोई भी चीज आपको कैरी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा कुछ चीजें जैसे कि पेन ऑफकोर्स आप लेके जा सकते हो, अगर अलाउड है तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात आपको अंदर दिया जाएगा, बट कोई भी ऐसा पेन ले जाना जो फ्लोरोसेंट टाइप से पेन हो, जिसमें सारी चीजें आपको क्लियरली जो अगले को दिखे।
क्या पैसा हम लेके जा सकते हैं? बिल्कुल, जो बच्चे दूर से ट्रेवल करके आ रहे होते हैं तो उनके पास में पैसे हो सकते हैं। पैसों से आज तक कभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो पैसे यार बिल्कुल आप कैरी कर सकते हो। इसके अलावा वाटर बोतल अगर आपको बच्चों कैरी करनी है तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट टाइप की वाटर बोतल होनी चाहिए, है ना, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। इसके अलावा बैग, जैसे कुछ बच्चे अगेन ट्रेवल करके जाते हैं तो अपने साथ में बैग वगैरह, तो वहां पे सेंटर के अंदर ऑब्वियसली बात आपको एग्जाम हॉल में नहीं ले जाने दिया जाएगा, बट सेंटर पे इस टाइप की सुविधा होती है कि लॉकर्स होते हैं कि वहां पे आप अपना सामान जो रख सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अगेन मैं आपको समराइज कर देता हूँ, फिर भी आप ट्राई करें कि इस टाइप की कोई भी चीज जो आपके साथ में लेके ना जाए, जितना मैंडेटरी है अगर आप ट्रेवल करके अगर आपके साथ कोई जा रहा है तो उनको आप सामान जो वो सारा दे दीजिए, वो बेस्ट रहता है। इसके अलावा यार अगर पॉसिबल हो तो जिस दिन आपका एग्जाम हो उससे पहले दिन एक बार आप एग्जाम को सेंड आपका जो भी सेंटर उसको विजिट कर लीजिएगा। अगेन ये मैंडेटरी नहीं है, बट ये सिर्फ और सिर्फ आपके थोड़ा सा मेंटली बंदा प्रिपेयर होता है, जिस जगह पे उसको एग्जाम लिखना होता है अगर वो पहले से उसका सेंटर देखा होता है तो थोड़ा सा उसका कॉन्फिडेंस जो ज्यादा रहता है। इसके अलावा जो भी आपका एग्जाम टाइम होगा उससे 2 आवर्स पहले जो आप सेंटर्स पे अपने सेंटर पे पहुंच जाइए, ताकि किसी भी लास्ट टाइम की हड़बड़ाहट जो आपको नहीं हो। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि मैंने सारी चीजें बता दी है। और इसके अलावा अगर कोई अपडेट होगा, वैसे मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा, कोई और नया अपडेट होगा तो वो जरूर मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया, ज्वाइन कर लीजिए, जैसे ही आता है सबसे पहले बच्चों मैं आपको वो अपडेट जो वो दे दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।